नमस्कार बच्चों, आपको अभी पांचवी पार्ट, उसका नाम क्या है, असली दोस्त समझाने जा रही हूँ। चौथी पार्ट में आपने क्या सीखा था, लालची कुत्ता के बारे में। लालची कुत्ता किस तरह वह लालच में पड़ गया और उसे उसकी रोटी कैसे छीन गई और उसकी रोटी कैसे पानी में गिर गई, यह पार्ट को आप समझ चुके हैं। और इस पार्ट के विलोम शब्द और प्रश्न उत्तर और हाँ या नहीं जो भी है, और कठिन शब्द को भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, किस तरह कठिन शब्द को चुनना है, किस तरह मात्रा के शब्द को आपको अंडरलाइन करके टीचर को बताना है, यह बता रहे सीख चुके हैं। अभी देखिए चौथा पार्ट, चौथा पार्ट का नाम क्या है, असली दोस्त। असली दोस्त किस तरह होते हैं, किस कौन से दोस्त को असली तरह बोल असली दोस्त कहते हैं, जो मुश्किल में काम आता है वो दोस्त है, किस तरह है, ये पार्ट में सीखेंगे एक कहानी के द्वारा। देखिए पेज नंबर 21 यानी 21। देखिए पेड़ का पत्ता मिट्टी का ढेला दोनों एक अच्छे मित्र थे। दो पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता मतलब क्या है, पत्ता यानी लीफ, पत्ता यानी लीफ, पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता जो है, और मिट्टी का ढेला एक मड से बना हुआ लंप ऑफ क्ले, एक मड से मट्टी से बना हुआ एक जो है मुद्दे को क्या कहते हैं हम, ढेला, ढेला ए लंप ऑफ क्ले। पहले देखिए यहाँ पर हम लोग शब्द अर्थ सीखेंगे, तो इससे आपको जो भी शब्द हिंदी में आएंगे उसे आपको आसानी रहेगा समझने के लिए। भी देखिए शब्द अर्थ में कौन से है, पहला क्या है, पेड़, पेड़ यानि ट्री, दूसरा क्या है, पत्ता, पत्ता यानि लीफ, तीसरा मिट्टी, मिट्टी यानि मड, ढेला ए लंप ऑफ क्ले, मित्र फ्रेंड, यह सबको आपके अपने अपने किताब में मिल चुके हैं। और इसके आगे क्या है, उड़ाना यानी टू फ्लाई, बचाना टू सेव, मौसम सीजन, बारिश रेन, गीला वेट, बहना टू फ्लो, ऐसे थोड़े शब्द हैं जो इस शब्द में पढ़ने को मिलेंगे, उसके हर अंग्रेजी में है। अभी देखिए पाठ को सुने, पेड़ का पत्ता मिट्टी का ढेला दोनों अच्छे मित्र थे। पेड़ का पत्ता, पत्ता यानि लीफ, पेड़ यानि ट्री, ट्री ट्री लीफ, मिट्टी का ढेला, एक जो है ढेला जो है लंप ऑफ क्ले, मट्टी से बना हुआ ढेला। और एक दिन क्या हुआ, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, बोथ आर फ्रेंड्स। एक बार बवंडर आने से पत्ता नीचे गिर गया, बवंडर यानि वाइल्ड वाइन, तूफान, बहुत सा हवा बारिश आता है ना, बहुत सारा तूफान से एक पत्ता जो है नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, तब क्या हुआ, देखिए मट्टी का ढेला झट से पत्ते के ऊपर बैठ गया। जब पत्ता जब उड़ने जा रहा था, जो बवंडर वाइल्ड वाइन आने से पत्ता जो है उड़ गया, तो तभी मिट्टी का ढेला लंप ऑफ क्ले, जो मिट्टी का ढेला क्या किया, झट से पत्ते के ऊपर बैठ गया। अभी देखिए यहाँ पर है पत्ता, इसके ऊपर क्या, कौन बैठ गया, लंप ऑफ क्ले, मिट्टी, मिट्टी का ढेला जो है उसके ऊपर बैठ गया। जब हमें एक बुक, एक किताब उड़ रहा, एक पेपर उड़ रहा है, तो उसके ऊपर कुछ वजन डालने से क्या होता है, वह पेपर उड़ने से बच जाता है। ऐसे ही मिट्टी का ढेला पत्ते के ऊपर बैठ गया, तब पत्ता उड़ नहीं पाया, वह बच गया। तभी क्या हुआ, वह उड़ जाने से बचाया, कौन बचाया, उसका मित्र कौन थे, पत्ता और मिट्टी का ढेला, दोनों मित्र थे ना, तो मिट्टी का ढेला पत्ते को बचा दिया। उसके बाद क्या हुआ, तब से वे दोनों मिलजुल कर रहने लगे, अच्छे से रहने लगे। अभी उसके आगे क्या हुआ, देखिए कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आया, बारिश का मौसम, बारिश मौसम, मौसम यानी सीजन, रेनी सीजन। तो बारिश के मौसम में क्या हुआ,
एक दिन जोर से बारिश होने लगी। बारिश जोर से बारिश होने के कारण तब पत्ता मिट्टी का ढेला बारिश में बहने लगा। बारिश में बहने लगा तब मिट्टी के ढेले पे पानी गिरा तो क्या होता है, बहना चालू होता है ना। तब पत्ते ने क्या किया, झट से मिट्टी के ढेले के ऊपर बैठ गया। तो मिट्टी के ढेले पे जब पत्ता आकर बैठा तो क्या हुआ, जब बारिश आने से बच गया, मिट्टी का ढेला बारिश से बच गया। इससे क्या होता है, मिट्टी का ढेला बह जाने से किसने बचाया, पत्ते ने बचाया। इससे क्या हुआ दोनों के बीच में क्या हुआ, ऐसे ही एक दूसरे को दोनों बचा लिए। क्यों, यह जब तब इसका पाठ का आपने हमें क्या शिक्षा मिलती है देखिए, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि दुख में भी साथ देने वाला, जब वह बह जा रहा था तो पत्ते ने उसे सहारा दिया, जब पत्ता उड़ जा रहा तो किसने सहारा दिया, मिट्टी के ढेले ने सहारा दिया। तो इस पाठ का मतलब क्या है, दुख में भी साथ देने वाला ही असली दोस्त होता है। असली दोस्त पाठ का मतलब क्या है, असली दोस्त जो दुख में भी साथ देने वाला, जो उनके दुख में बहुत ही साथ दिया है। तो इसलिए दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। देखिए समझ में आया बच्चों, अभी देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इस प्रश्न उत्तर को आप दोहराने की कोशिश करें, तब आपको इस प्रश्न को किस तरह लिखना है आपके किताब में कोशिश करिए। और इसमें जो भी है पत्ता मिट्टी ढेला जो मात्रा के शब्द है, इसे अंडरलाइन कर पढ़ने की कोशिश करिए। इसमें छोटी ई मात्रा है या बड़ी ई मात्रा है, और चिन्ह का उपयोग ज़्यादा हो चुका है। चिन्ह किस तरह लिखते हैं दूसरी कक्षा में आप सीखे हैं, वह चिन्ह का उपयोग तीसरी पार्ट में पढ़ने को मिल रहा है। अभी देखिए प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, कौन कौन अच्छे मित्र थे। तो इस पाठ में कौन कौन अच्छे मित्र थे, पेड़ का पत्ता और मिट्टी का ढेला, यह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। क्या आने से पत्ता नीचे गिर गया, एक दिन पत्ता आने गिर गया ना, उस दिन क्या आ रहा था जोर से, बवंडर आना था। बवंडर यानी वाइल्ड वन, बहुत जोर से बवंडर आने से पत्ता नीचे गिर गया। मिट्टी के ढेले ने क्या किया, मिट्टी के ढेले ने झट से पत्ते पर बैठ गया। तो एक दिन क्या होने लगा, एक दिन बवंडर आया, उसके बाद क्या होने लगा, एक दिन जोर से बारिश होने लगा। तो पत्ते ने क्या किया, तब बारिश आया तो पत्ते ने क्या किया, पत्ते ने झट से मिट्टी के ढेले पर बैठ गया। तो अभी देखिए चुनो में क्या क्या है, यहाँ पर क्या आने से पत्ता नीचे गिर गया, पत्ता गिर गया, देखिए पत्ता भी है यहाँ पर, मिट्टी का ढेला भी बह गया था, दो है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है, देखिए क्या आने से पत्ता नीचे गिर गया, बारिश और बवंडर। पत्ता गिर गया, कब गिर गया पत्ता, बहुत जोर से बवंडर आने से। मिट्टी का ढेला डैश के ऊपर बैठा, पत्ता या मिट्टी, मिट्टी का ढेला किस पर बैठा पहले, मिट्टी का ढेला पत्ते के ऊपर बैठ गया। एक दिन जोर से क्या होने लगा, गर्मी होने लगा या बारिश होने लगा, बारिश होने लगा। डैश अभी देखिए इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, यह एक चुनो में है, डैश में भी साथ देने वाला ही असली दोस्त है, दुख और सुख दुख में भी साथ देने वाला ही असली दोस्त है। अभी देखिए विलोम शब्द क्या है यहाँ पर, अच्छा, अच्छा यानी बुरा, तो उसका अपोजिट वर्ड्स लेना है। मित्र, मित्र यानी फ्रेंड्स, शत्रु एनिमी, एक अनेक बहुत सारे, नीचे डाउन ऊपर अप, बैठा सिट उठा स्टैंड, दूर बहुत सा दूर, पास दूर, पास जैसा दूर खड़े हैं तो दूर बोलते हैं, नज़दीक खड़े हैं तो पास में है, असली और नकली, दोस्त यानी दुश्मन, दोस्त यानी फ्रेंड्स, दुश्मन यानी एनिमी शत्रु। ठीक है, अभी ये सब कुछ आपको पता चला इसमें पाठ में, शब्दार्थ विलोम शब्द जो भी है, आपको विलोम शब्द और प्रश्न उत्तर नोट्स के द्वारा मिल जाएंगे। यह सब कुछ अपने अपने किताब में अच्छे से, हिंदी किस तरह लिखते हैं बच्चों, आप लाइन टच एंड राइट नीट से अपने अपने किताब में लिखने को कोशिश करिए और पढ़ने को कोशिश करिए। जब पढ़ेंगे तो पाठ को पढ़ पाओगे, यह पाठ को घर पर अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।